के नाम का प्रभाव आप जानते हैं, आपने भागवत सुनी है और उसमें 18,000 श्लोक है भागवत के अंदर। परीक्षक जी को मृत्यु ने कटाई दान करके और श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कर, वेद व्यास जी ने भागवत बनाई और सुखदेव जी ने उस भागवत को गाई। 18,000 श्लोक वर्णन कर दिए और उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य राजाओं का काम योग भेद सबका। लेकिन अंत में जब आप दूध ने लेवा था और बने जमावा था और जमा कर मेरे को दही बनावा था, लेकिन वे कमाए भी वो चीज छुपड़ी थे दही जमाई में मैंने बिलोवा से काटा लेना ही निकल रहे थे। इसी प्रकार से भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन नाम संकीर्तनम यस्य, आप सब बोलोगा नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, हस्तम तेषाम हरि पराम। भगवान का परीक्षा थी, मैं तेरे को भागवत सुनाई और उसमें सब ज्ञान तेरे पर तपस्या तप जप भजन कीर्तन सब कहा थे, लेकिन उसका सारा बनी तोड़ क्योंकि ऐ कोई कह दे दूध को कटोरे पकड़ा दे लग ये खा लीजिए मुझे खा ले वो भी नहीं खा सकता है, दूध के कटोरे में घी नहीं मिल सकता उसको। इसी प्रकार से मैं तुझको पहले ही कह देता अस्तु नाम राम करके ही मुक्ति हो जाएगी तो तेरे नहीं सकते, लेकिन मैं सारी बात आप तेने पहले कही है जना तरी जो अब यो कोई को सारी भाग को साथ है भगवान के मेरे उस परमात्मा का नाम संकीर्तन जो है जिसको आप एक सप्ताह में करते बैठ करके 3 घंटे तक उस परमात्मा का नाम का संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशन सरे सारे पापों को नाश करने वाला है और वो जितना भी कीर्तन करवाया थी जी कुछ कीर्तन कर लिया थी वाने प्रणाम करवाते हैं समस्त संताप दूर हो जाएंगे क्योंकि हरे राम हरे राम हरे राम तुम केवलम। मनुष्य यह भी कहे हरे राम हरे राम हरे राम तु केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में जो है भगवान के नाम के नाम संकीर्तन के सिवाय कोई गलती नहीं उसको किसी प्रकार से हुआ। इतनी बात मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि कीर्तन में आकर के चुपचाप मत बैठो तब तो घर ही रहो। अगर यहाँ पर क्योंकि भगवान ने वाणी दी है जीव दी है मूडा दी है तो अजय आकर जितनी देर कीर्तन में बैठा उतनी देर तक बोलो आप गुंगा बोना बोलियो बोल जाए बोलो उतनी देर तक जरूर बोलो। अब कोई भी आप दड़ो लग रही हो मेरे व्यापार हो रही हो है तो आप चुपचाप बैठ जाओ लाइन बैठे जाकर बच्चे तो बोलवा आ गए ढूंढा बिकी इस प्रकार से की मैं तो बोलवा आ गई ढूंढा बिकी कीर्तन के मान तो बोलवा आई गई ढूंढा बिकी भी बिना बोलवा कोई बिकी जो राम नाम धन है ना आप हम जितना भी आज से लेकर के जन्म जीव के जब से लेकर के और इतनों परिश्रम करके कुछ कमावा था और खूब परिश्रम करा था खून को पानी कर दिया था खून को पसीनों कर दिया था कमाता कमाता इस प्रकार से कमाया जाए था। लेकिन फिर वो अपनी साथ जाए को मर तो कर तो परिश्रम करा था तो भी बोल जाए इतना पता मरा था तो भी बोल जाए और जाए का ही कपड़ा लगता नहीं कोई बोल छोड़े जिन्हें जिन्हें आप अपना खाता ना वो डाकू से आपने क्या कहते हैं अपना कपड़ा रूगी चुमड़ी सब काटी चुके हो और जन आप क्या मेरी लुगाई से ये मेरे बेटो दे मेरे बेटी ना भाई देखो जी मुझे वो जातो जी ने जी मुझे देखो जी आपका साथ जो बेटा थी बेटी जो कुछ
मैं सब कह लिया कि या तो या बंगी कर दू, नहीं नहीं या बहुत बढ़िया कीमती चीज है। इसलिए जीव के साथ क्या जाता है, भगवान के नाम का कीर्तन। जितना कीर्तन राम नाम रूपी धन को जितना इकट्ठा करोगे उतना ही जीवन का सार है। क्योंकि साथ जाएगा तो क्या जाएगा, राम नाम जाएगा, और वो भी साथ जाने वाले भी आपके बोलेंगे, आपको ले जाने वाले भी बोलेंगे असत सत्य क्या था, तुमने सत्य को नहीं संभाला, अब है असत सत्य को संभाल। तो उसी प्रकार से भगवान के नाम का तो जो कीर्तन कर रहे हैं, इसमें शर्माओ मत, इसमें पानी को मत रखो, क्योंकि जितने सी देर के दो घंटा के लिए इतना धन इकट्ठा हो जाए सात दिन में तो कितना इकट्ठा। अगर शास्त्र कहते हैं, शास्त्र अगर सत्य है कि राम नाम जपता तो भयम, यानी प्रहलाद जी ने खंबा के सामने धपते हुए खंबे के सामने प्रहलाद जी को खड़ा कर दिया उसकी बात मानने के लिए, कहा कि इसके बाद भरतू एकदम लाल करके खंबा ने लोहा का खंबा ने लाल करके प्रहलाद जी कुछ घबराया, लेकिन के ऊपर चींटी दिखाई दी मैंने प्रहलाद जी ने, तो प्रहलाद जी झटकी उसके जो हाथ बात पर दी। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि बेटा तूने कोई को डर ही बोल लगे, कोई को डर बोल लगे, मैंने कितना डर दिखा दिया, अग्नि से डर पड़ोसने तना हाथी सु सांप सु सब कोई को डर बोल लगे, बोले पिताजी राम नाम जपता को भय, राम नाम जपवाला में कोई भय को डर, राम नाम जपवा निर्भय हो जाते, क्योंकि आप आपा अजेबे समताला जना काय कवाला भूत पिता से कर नहीं आओ महावीर जम नाम सुनावे। तो हमेशा याद रखो जो राम नाम संकीर्तन करता है वह कहीं भी रास्ते में भी किसी प्रकार का भय हो तो वो चिंतन कर ले, उसको कोई भी भय नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का भय उसको सताएगा नहीं, कोई व्याधि नहीं सताएगी। और ये भी मत सोचना कि तुम्हें संसार में हम कमा रहे हैं तो उस पर कमी आ जाएगी, कभी राम नाम स्मरण करता कभी आवाजे करिए आई दे कर, अगर एवं कमी आती ना तो इतना बड़ा राजा महाराजा इन नाम ने जपता को ना, राम नाम जपो ही है, राम नाम जिसने जपा है वो इस संसार में नाम कर गए और अब भगवत धाम की प्राप्ति करी उन्होंने। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं तो आप लोग बिल्कुल भी सकता हूँ, क्योंकि दो घंटे का हम समय निकालते हैं नाम संकीर्तन के लिए, और दो घंटे के नाम संकीर्तन में अगर एक ही नाम बिना मुझे तो एक नाम की कमी रह जाएगी, इतना नाम की कमी रह जाएगी। दो घंटा दो घर इकट्ठों पर भगवान है, एक बार ही नहीं बोला करना, दोनों की तो कमी रह जाएगी। और आप ये सत्य मानो राम नाम की धन है, भगवान की धन। और ये भी मान लो आप, अच्छा राम नाम जो है ना वही परमात्मा का साकार स्वरूप है, ब्रह्म राम के नाम बड़ बड़दा है बरदान, ब्रह्म है वो परमात्मा है उसके नाम बड़ा है। अब क्योंकि आपको नाम में जान रहा ना तो कहीं भी आपको खोज लूंगा, इसलिए आप आ जाओगे मन चिल्लाऊंगा नाम लेकर, तो उसी प्रकार के उस परमात्मा का नाम चिल्लाएंगे ना तो अपने आप वो आ जाएगा, उसको नाम की चिंता है नाम की परवाह तो आ जाएगा। प्रहलाद जी नाम तो लिया था, गुरु ने नाम ही तो लिया था, द्रौपदी ने नाम ही तो लिया था, इतने भक्त थे उन्होंने नाम ही तो लिया था, और नाम की लज्जा को रखने के लिए परमात्मा को आना पड़ा आकर के और उनके दुख को दूर करना पड़ा। इससे हम यह मन में विश्वास कर लें कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ में, वह नाम जो है परमात्मा है, नाम जो है ही परमात्मा है, क्योंकि आपका नाम है भी तो आप हैं, अब आपका नाम नहीं है तो आप क्या हैं, उसके नाम ही परमात्मा है। आप लोगों को मैं तो धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं आप क्या भी समझ लो, अच्छा आपको धन्यवादों के जादू मंत्र चल रहे थे, बस ये बम्बई ज्यादा बैठे थे
पीछे पीछे 15 दिन से निरंतर भी आ रहा था हवाई जहाज कुछ भी नहीं था मेरे पे अब सुबह आज मुझे कैंसिल करवाए लेकिन वो आपको मंत्र सोच रहे उस मेरे 4 दिन से उठाटर चलो आप अभी आज बम्बई में तो खेल जाना आज मुझे हो गया ही लेकिन मुझको आज नींद का कारण नहीं देख लेते थे तो आनंद आगे कीर्तन को देख करके अब कीर्तन को वाच उत्सव मनाता हुआ देख करके आनंद आगे आपको धन्यवाद है और श्री सीताराम जी महाराज।